जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज। कल मेरे पास में एक कॉल आया। स्टूडेंट ने पूछा, सर हम आपकी एकेडमी क्यों ज्वाइन करें, एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। तब मुझे लगा शायद हमें आप सबको हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं ये सब बातें बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चों को, आप खुद जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सही जगह पर और सही वक्त पर पहुंच पाएं। दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर के किनारे। खुला और शुद्ध वातावरण है, बिना शोरगुल और बिना पोल्यूशन का। साथियों, एकेडमी को लगभग 18 महीने होने जा रहे हैं। 18 महीने में एकेडमी ने हर क्षेत्र में, फिजिकल में, रिटन में, स्पोर्ट्स में बहुत ही शानदार कार्य किया है। साथियों, फिजिकल की तैयारी मैं खुद करवाता हूँ। मैं पैरा रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स से रिटायर्ड हूँ, और राजपूत ग्रुप में भी मैंने नौकरी की है। मेरी खुद की साथियों सिविल की क्वालिफिकेशन, मैं WMA हूँ और BEd हूँ। आर्मी की क्वालिफिकेशन में स्नाइपर शूटर हूँ, कमांडो का बेस्ट स्टूडेंट रहा हूँ। एडवांस डाटा प्रोसेस कंप्यूटर से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और टेली कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो ये मेरा आर्मी का क्वालिफिकेशन है, और साथ ही मुझे जहाज से जंप करने का अनुभव है। आपको पता है पैरा रेजिमेंट के जवान जहाज से जंप करते हैं। साथ ही साथियों, दक्षिणी अफ्रीका में भारत की तरफ से शांति सैनिक के रूप में भी मैं कार्य कर चुका हूँ। एक वर्ष का UNO की तरफ से सेवा दे चुका हूँ मैं। तो साथियों, ये मेरा अनुभव है, और मैं फिजिकली आर्मी में काफ़ी दिन फिजिकल करवाया, ट्रेनर रहा हूँ, तो आर्मी साइड से भी मुझे फिजिकल करवाने का बहुत अच्छा अनुभव है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ। मैंने जो किया हुआ है वो मैं बच्चों से करवाऊँगा। साथियों, मेरे अलावा मेरे साथी हैं, जो साथी स्टाफ में हैं, सुरेश जी जाखड़ MSc हैं, MEd है और BEd है। खुद का 5 वर्ष का अनुभव है, और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर एकेडमी में सेवा दे रहे हैं। तो जाखड़ सर हैं, वो मैथ साइंस और रीजनिंग के अच्छे और अनुभवी अध्यापक हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट हैं वो जाखड़ सर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं। साथियों, हमारे अगले साथी हैं इंद्र सिंह चौहान। चौहान सर का खुद का 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है। सर खुद WMA हैं, BEd हैं और MEd हैं। सर ने खुद ने ITI कर रखा है और पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा होल्डर हैं। तो सर का खुद का GK और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है। जियोग्राफी सर खुद पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने खुद जयपुर और बीकानेर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का अनुभव है। साथियों, एकेडमियों की मुख्य समस्याएं होती है ग्राउंड। हमारे पास में अपना ग्राउंड है, 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है, प्लस 400 मीटर का अलग से ग्राउंड है जो डिजर्ट टाइप में है, जिसमें थाई और मसल्स भरने का अच्छी तरह से काम किया जाता है। उससे सीन पेन वगैरह भी नहीं होते हैं। साथ ही हफ्ते में एक दिन हम लंबी रेस के लिए जाते हैं, तो लंबी रेस के लिए हमारे पास में झील का किनारा है और नहर का किनारा है, तो ये पक्का नहीं है, कच्चा मिट्टी का बना हुआ है, उससे पाँव भी दर्द नहीं होते बच्चे के, और रनिंग भी अच्छी तरह से हो पाती है। साथियों, पर डे का ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है,
हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं, संडे को पूर्ण रूप से रेस्ट होता है। 6 दिन को 12 फिजिकल भागों में बांटा हुआ है। सुबह और शाम का अलग अलग प्रकार का अलग अलग मसल्स का वर्कआउट करवाया जाता है। साथियों, एकेडमी खुले वातावरण में स्थित है, अच्छे वृक्षों के बीच में शुद्ध वातावरण है, ताजी हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई हॉर्न गाड़ियों की आवाज़ कुछ नहीं है, शांत सील माहौल है जिसमें बच्चे को पढ़ने में एकाग्रता भी आती है और फिजिकल में भी आनंद आता है। साथियों, फिजिकल के बाद में मेन रोल होता है डाइट का। हमारे पास में बच्चों की डाइट के लिए 3 वक्त का खाना है। सबसे पहले तो आरओ का पानी है, शुद्ध साफ आरओ का पानी मिलता बच्चों को। सुबह नाश्ते में फ्रूट है, दूध है, दलिया, लापसी, पोहा, पराठा या मीठे चावल कुछ भी दे सकते हैं। और जो बच्चे अंडा खाते हैं उनके लिए अंडे की व्यवस्था अलग से की जाती है। दोपहर के खाने में दाल, सलाद और रोटी है। शाम के खाने में हरी सब्जी होती है, अलग अलग डे अलग अलग प्रकार की सब्जी है, रोटी है और सलाद है, और सोते समय 1 गिलास दूध। ये डाइट प्लान है। इसमें साथियों, सप्ते में 2 दिन बुधवार और शनिवार को पनीर और खीर के रूप में स्पेशल डाइट दी जाती है। साथियों, फिजिकल में पर डे लगभग 5 घंटे का फिजिकल होता है, 2.5 घंटे सुबह है और 2.5 घंटे शाम को है। डे वाइज अलग अलग ट्रेनिंग इवेंट होते हैं जिसमें सोमवार को फिजिकल का टेस्ट होता है और दिन में रिटन का टेस्ट होता है। तो सोमवार को पूरे हफ्ते का रिजल्ट चेक किया जाता है। साथियों, सिलेक्शन, किसी भी संस्था का लेवल है उसके रिजल्ट से पता चलता है। हमारा रिजल्ट अब तक 100% है और हमें यह बात बताते हुए गर्व भी होता है। फिजिकल में हमारा अब तक का 100% लेवल है। अब तक हमने 17 बच्चे आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं जो पेपर का इंतजार कर रहे हैं, जो रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं रिटर्न अब तक हुआ नहीं है जब से हमने एकेडमी स्टार्ट की उसके बाद में से। अगला साथियों, राजस्थान पुलिस का पिछला जो फिजिकल हुआ था उसमें हमारे पास में 1 लड़की और 9 लड़के थे। सबका एक्सीलेंट फिजिकल क्लियर था जिसमें से 2 ने अभी राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर ली है जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगला साथियों, होमगार्ड में राजस्थान लेवल की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर हमारे 10 बच्चे थे, उसमें से फिजिकल सबका पास था, लेकिन होमगार्ड में क्रिटेरिया होता है, उस क्रिटेरिया के आधार पर हमारे 3 बच्चे होमगार्ड में सिलेक्ट हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, जिसमें से 1 लड़की है। और ये पहली बार हो रहा है कि इस क्षेत्र की 1 लड़की सिलेक्ट हुई, वो भी हमारी एकेडमी से। एक साथियों, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिया है हमने। और एनसीसी में अब तक एकेडमी के 15 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 15 के 15 बच्चों का एनसीसी में सिलेक्शन हो गया है और वो फिलहाल कॉलेज उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। एक दोस्तों, स्टेट लेवल में एथलीट में 5 किलोमीटर में भागीरथ सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल दिया है, और 2 दिए हैं हमने कबड्डी में राज्य स्तरीय सिलेक्शन, 2 लड़कियों के राज्य स्तरीय टीम में सिलेक्शन हुआ है, पपिता कंवर और कृष्णा मेहरा। साथियों, फिजिकल के मामले में हरियाणा पुलिस में जो कमांडो की भर्ती थी उसमें हमने 2 बच्चे सिलेक्शन दिया है जो फिजिकल में टॉप थे और जो फिलहाल SI की फिजिकल चल रहा है उसमें हमने जस्ट अभी 4 सिलेक्शन दिए हैं और अच्छे मार्क्स दिए हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं।
अगला आता दोस्तों फिश। इन सब गतिविधियों का हम केवल आपसे 5,000 रुपया एक महीने का चार्ज करते हैं और 3 महीने की फिश लेते हैं। 500 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लगता है और 600 रुपये की आपको किट दी जाएगी। एकेडमी की जो ड्रेस कोड है वो आपको दिया जाएगा। तो बहुत कम फीस है। इस फीस को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी डाइट दी जा रही है और अच्छे लेवल के टीचरों से पढ़ाया जा रहा है और मैं खुद आपको फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट हूँ फिजिकल में। और आज के दिन अगर हमारा सिलेक्शन देखते हैं आप तो 100% है। तो हम ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि हम आज के दिन राजस्थान में बेस्ट कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रत्येक छात्रावास कैमरे की निगरानी में है। बच्चे क्या इवेंट कर रहे हैं वो सब कैमरे में रिकॉर्डेड है। साथ ही प्रत्येक शनिवार को शाम को मोटिवेशन मूवी दिखाई जाती है, देशभक्ति मूवी दिखाई जाती है, जिससे बच्चों में जोश आता है, जुनून आता है, फिजिकल करने का मन करता है और देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। साथियों, जिन बच्चों का फिजिकल कमज़ोर है उनको मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। दोपहर में, दिन में उनको अलग से टास्क दिया जाता है, शाम को लेट नाइट तक उनको अलग से टास्क दिया जाता है फिजिकल के लिए। तो मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ उनको फिजिकल इम्प्रूव करने के लिए, अलग से टास्क देकर अलग से एक्सरसाइज करवाता हूँ। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उनको हमारे स्टाफ के सदस्य सुरेश सर हैं और चौहान सर हैं, दोनों रात को 10-11 बजे तक अलग से पेपर की तैयारी करवाते हैं, जिससे कि बच्चा फिजिकल के साथ साथ में रिटर्न में भी बहुत शानदार रिजल्ट दे पाए। साथियों, क्लासेस का लेवल राजस्थान पुलिस और SSSGD के इक्वल है। दिन में 5 से 6 घंटे की क्लासें हैं जिसमें आर्मी GD का बच्चा भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकता है और SSSGD की तैयारी कर सकता है। तो एक फीस में 2 फायदे हो रहे हैं। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करने आ रहा है फिजिकल के अलावा, वो राजस्थान पुलिस की रिटर्न की तैयारी कर सकता है और SSSGD के पेपर की भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो लेवल लेके हम दिन में 5 से 6 घंटे की क्लासें प्रोजेक्टर पर चलाते हैं, डिजिटल बोर्ड पर चलाते हैं। साथ में हफ्ते में एक बार वीकली OMR बेस एग्ज़ाम लेते हैं, उनका टेस्ट सीरीज होता है जो कि राजस्थान पुलिस SSSGD और Army GD के लेवल से अबो का थोड़ा सा होता है, जिसे बच्चे अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप का आकलन कर सकते हैं। साथियों, कमांडो डिफेंस एकेडमी आज के दिन राजस्थान की बेहतरीन फिजिकल इंस्टीट्यूट है। हम तीनों के तीनों स्टाफ दिन रात एक करके लगे हुए हैं बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए, चाहे वो शारीरिक प्रशिक्षण के लेवल का हो, चाहे वो लिखित परीक्षा हो। हमारे पास में लिमिटेड सीटें, हमने भगदड़ इकट्ठी नहीं करनी है, लिमिटेड सीट है। 120 बच्चों का एडमिशन लेते हैं हम लोग, उन्हीं पर मेहनत करते हैं, उनको तराशते हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए। जिस बच्चे को लगता है कि जी जान लगा कि मैं मेहनत करूँगा, उस बच्चे का स्वागत है। और जो टाइम पास के लिए एकेडमी आना चाह रहा है वो अपने पैसे और अपना वक्त दोनों ही बर्बाद ना करें। आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रिमार्क्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कमेंट देकर हमारा परफॉर्मेंस है वो हमें अवगत करवाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।